भारत के सात होनहार बच्चे और इनमें से कुछ बच्चों ने पंद्रह साल की उम्र में सौ करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी नंबर सात पूजा विश्नोई ये एक छोटे से गांव से आती हैं और ये अपने जुनूनी सफर के लिए जानी जाती हैं। पूजा विश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट हैं। ग्यारह साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू मात्र पाँच साल में दिखा दिया था जब उन्होंने सिक्स पैक एप बनाकर एशिया की सबसे पहली कम उम्र की बच्ची बन गई थी और उसके बाद दस साल की उम्र में उन्होंने तीन किलोमीटर का सफर मात्र बारह मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था फिलहाल पूजा दो में होने वाले ओलंप ओलंपिक चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं नंबर सिक्स तिलक मेहता तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आज उनकी गिनती भारत के सबसे यंग और कम उम्र के इंटरप्रन्योर में होती है मात्र 16 साल की उम्र में इनकी कंपनी की नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है तिलक मेहता डिजिटल कुरियर कंपनी के मालिक है जिसका नाम है पेपर एंड पार्सल इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत दो में करी थी जिसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवर करना था और मुंबई के डिब्बा वालों की मदद ऐसी इन्होंने इस वेंचर की शुरुआत करी और मात्र दो साल में इनके स्टार्टअप में दुनिया को हैरान कर दिया इनको 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूजी अवार्ड भी दिया गया नंबर पाँच अद्वेद कोलारकर ये भारत का नन्ना पेंटर है जिसने अपने हुनर से दुनिया को हैरान कर दिया आज के वक्त में इनकी उम्र आठ साल है लेकिन जब इनकी उम्र एक साल की थी इनका नाता पेंटिंग ऐसी जुड़ गया था और मात्र दो साल की उम्र में इन्होंने सारे कलरों को पहचानना शुरू कर दिया था और मात्र कुछ सालों में ही इनके एग्जीबिशन भारत अमेरिका और कैनेडा में होने लगे और सबसे कमाल की बात है की इनकी कुछ पेंटिंग दो दो डॉलर में बेकी गई और आज के वक्त में कनाडा के कई सेंटर में कलर कहके भी बुलाते हैं नंबर चार वृति गुजराल वृति गुजराल अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और हर दिशा में उसको फैलाने का काम कर रही हैं। मात्र पंद्रह साल की उम्र में ये राइजिंग स्टार क्लासिकल डांस के कई फॉर्म में अपने कदमों को थिरकाती हुई नजर आती है और कत्थक डांस में इनकी पकड़ काफी शानदार है मात्र तेरह साल की उम्र में वृति को ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूजी अवार्ड दो अपने नाम कर चुकी है ये भारत के कई राज्यों में अपने डांस को परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है नंबर तीन कौटल्य पंडित मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले कौटल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है 130 आईक्यू के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं बल्कि कौन बनेगा करोड़पति के फेम से भी है ये हर चीज को बहुत तेजी से मेमोराइज कर लेते हैं और महज पांच साल की उम्र में इन्होंने पूरी ज्योग्राफी को याद कर लिया था और इसके अलावा मैथमेटिक्स भी कौटल्या में कूट कूट कर भरी हुई है जहाँ पाँच साल के बच्चों को एबीसीडी याद करने में काफी मुश्किल होती है वही कौटल्य पंडित पूरी किताब को याद कर लेते हैं और आज के वक्त में इनका दिमाग सुपर पावर से कम नहीं है नंबर दो अर्शदीप सिंह अपनी फोटोग्राफी से तस्वीरों में जान डालने वाले इस बच्चे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनके पांचवे बर्थडे पर इनके पापा ने इनको तोहफे में एक कैमरा दिया और तब से ये उस कैमरे से तस्वीरों को खींचने लग गए और देखते ही देखते इनको वाइल्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट जागा और इनकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतनी ज्यादा कमाल की थी और सन दो में इनके शानदार काम को देखते हुए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड ऐसी सम्मानित किया गया और आज के वक्त में भारत के सबसे छोटी उम्र के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है नंबर वन रमेश बाबू प्रगनंदा आज के वक्त में शतरंज के नन्हे बादशाहों में से एक है जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है कहने को ये खिलाड़ी मात्र 16 साल का है लेकिन इन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में बड़ी बड़ी बाजिया जीती हैं मात्र 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया उसके बाद साल दो और पंद्रह में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीत रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व ऐसी ऊंचा कर दिया हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर वन प्लेयर मैग्नेस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया और आने वाले वक्त पर ये छोटा सा महारथी बड़े बड़े दिग्गजों को हराने के लिए तैयार है क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति है तो उसका नाम हमें जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें